केआर न्यूज में आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। भोपाल शहर में जिले के बाहर से अवैध मदरा तस्करी की रोकथाम हेतु कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा सतर्कता कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में 7 अक्टूबर की रात्रि मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना पर सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल संजीव कुमार दुबे द्वारा जिला आबकारी बल के साथ विदिशा की ओर से आने वाले एक आयशर ट्रक क्रमांक MH48HB4825 को भानपुर ओवरब्रिज के पास रोका गया। आबकारी बल को मिली सटीक सूचना के बाद भी ट्रक प्रथम दृष्टया खाली पाया गया, जिसे देखकर आबकारी अमला चौंक गया, किंतु ट्रक की सघन तलाशी में ट्रक में बड़े ही शातिराना तरीके से ट्रक के पीछे लोडिंग भाग के 10% भाग को गुप्त स्थान पर बनाया गया था। गुप्त रूप से बनाए गए इस कैबिन को जब खोला गया तो उसमें अवैध शराब भरी पाई गई। वाहन चालक जुफीरकार पुत्र ताज अली चौधरी उम्र लगभग 65 वर्ष मौजूद था। टीम द्वारा ट्रक की तलाशी में ट्रक में बना रखे गए कैबिन से भारी मात्रा में महंगे ब्रांड की 90 पेटियां शराब जब्त की गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। जब्त शुदा वाहन की बाजार कीमत लगभग 12 लाख रुपए होना पाया गया है। ट्रक और मदरा के राजसात की कार्यवाही जारी है। मदरा और ट्रक का बाजार मूल्य 27 लाख है। सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि अवैध मदरा परिवहन के विरुद्ध आगामी दिवसों में भी कड़ी और बड़ी कार्यवाही सप्ताह जारी रहेगी। भोपाल से सौ सिद्दीकी की रिपोर्ट।